नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी एन फौजी ब्लॉग्स में। तो थंबल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को आर्मी में 1600 मीटर दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो तैयारी आपको ज़ोरों शोरों से करना पड़ेगा। और आर्मी के दौड़ में जो क्या होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको बताऊँगा आज, जो आपको देख के बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो आर्मी में दौड़ बताने से पहले मैं आप लोग यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दाब दें, ताकि आपको टाइम टाइम पर मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा आर्मी की दौड़ की तैयारी कैसे करें और दौड़ जो है किस टाइप का दौड़ना है आपको मैं ये बताऊँगा। देखिए, ये मेरे पीछे जो ग्राउंड है इसका कितना ट्रैक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा आज। तो ये देखिए, ये जो ग्राउंड है, ये जो पूरा ट्रैक है लगभग 400 या 450 का ट्रैक है, जो काफ़ी बड़ा है। और अगर आप आर्मी के दौड़ में आप जाते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ आपको रस्सी से बांध दिया जाता है, जो दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है ग्राउंड। तो उसमें क्या होता है, कई लड़के लोग घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कितने समय में फर्स्ट राउंड मारना है, सेकेंड राउंड कितने समय मारना है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जब आप दौड़ में जाते हैं और आपका जब नंबर आता है दौड़ने का, तो आदमी लोग, कई लोग, लड़के लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। घबराहट से उसको सीना की धड़कन जो है तेज चलने लगता है, और ये सब मेरे साथ भी हुआ था। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर एक लड़के के साथ वहाँ पे क्या होता है, घबरा जाता है। तो घबरा जाने से क्या होता है, लोग हताश हो जाते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास रखे हैं, तो आपको दौड़ आराम से निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले जब फर्स्ट राउंड मारते हैं तो उसका टाइम टेबल क्या है वो मैं बताऊँगा आपको। जब आप फर्स्ट राउंड मारते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर फर्स्ट राउंड दौड़ना, और दूसरा राउंड जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेजी होना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो उस समय आपको क्या करना है, उसमें 1.5 मिनट में मार लेना है। और जब तीसरा राउंड मारते हैं तो उसमें भी आपको क्या है, 1 मिनट 20 सेकंड में मार लीजिए। और जब लास्ट चक्कर बढ़ता है तो उसमें आप जितना जोर जोर से लगा सकते हैं, 1 मिनट से पहले मार लेते हैं तो आप एक्सीडेंट में आ जाएंगे, और 5:40 के अंडर में आ जाते हैं तो भी आप एक्सीडेंट में आते हैं, और 6 मिनट के अंडर में आते हैं तो आप गुड में आ जाएंगे। तो ले देखा आप दौड़ जो है इस टाइम से अगर तैयारी करते हैं तो आराम से निकाल लेंगे। इसीलिए लड़के लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं, तो घबराइए मत। और मैं अपना एक्सपीरियंस साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी दौड़ में जाने से पहले जब ग्राउंड देखता था मिलिट्री का, तो बहुत ही डर लगता था। तो इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, जो टाइम में बताएं उसी टाइम के अनुसार निकालिए, आपको आराम से हर एक दौड़ निकल जाएगा। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा कि SSC के दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो आर्मी में अगर दौड़ने में आपको परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इस अनुसार अगर तैयारी करते हैं तो आप कभी दौड़ में नहीं छटेंगे। तो मैं आप लोग के यही दुआ करूंगा कि आप लोग जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यही बोलना चाहूंगा जल्द से जल्द आइए, आप लोग देश का सेवा कीजिए। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के सामने साझा करता रहूँगा हमेशा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।